नमस्कार दोस्तों, राइट स्पीच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं बाबा हरभजन सिंह कौन है? क्या आप जानते हैं उनका एक हमारे देश में मंदिर भी है? चलिए, ये मंदिर कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत का एक अमर सिपाही जो आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। दोस्तों, भारतीय सेना में एक ऐसे जवान हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है। वो मृत्यु के बाद भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह सैलरी दी जाती है, 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है, समय समय पर उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है और बाकी तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं। बाकायदा इनका एक मंदिर भी है और ये मंदिर हमारे देश के सिक्किम राज्य में स्थित है, जहां भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन पूरी तरह से सच है। इनके मंदिर में चलते हैं अंदर, यहाँ से इनका मंदिर हम देखेंगे। धीरे धीरे आप देखिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। एक सैनिक से बाबा बने हरभजन सिंह का पूरा नाम हरभजन सिंह बरसाई था। ये एक बहादुर भारतीय सेना के सिपाही थे। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के कुंजरवाला जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 20 साल की उम्र में ही हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। महज 2 साल के बाद 4 अक्टूबर 1968 को एक हादसे में इनका देहांत हो गया था। इनके मंदिर में हर दिन पूजा होती है और देखिए आरती किस तरह से होती है और किस तरह से भारतीय सैनिक, भारतीय सेना उनके मंदिर में प्रार्थना करती है। दोस्तों, घटना के वक्त उनकी ड्यूटी 13-23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में थी। उस दिन हरभजन सिंह घोड़ों के एक काफिले को तुकुला से डोंगचुईला ले जा रहे थे। तभी अचानक नाथुला पास के समीप उनका पैर फिसल गया और नज़दीकी नाले में गिर गए। नाले में पानी का बहाव हरभजन सिंह के शरीर को घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर ले गया। दोस्तों, सुनने में एक साधारण घटना लगती है, लेकिन हरभजन सिंह की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मशहूर होने लगे। कहा जाता है कि हरभजन सिंह की मृत्यु के बाद अपने एक साथी के सपने में वे आए और उन्होंने अपने गुम शरीर के बारे में बताया। और आश्चर्य की बात है कि भारतीय सेना को 3 दिन की खोजबीन के बाद ठीक उसी जगह पर उनका शव मिला। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी को सपने में आकर अपना समाधि स्थल बनाने का अनुरोध किया। इसके बाद यूनिट ने जलेपा दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि का निर्माण कराया। दोस्तों, बाद में हरभजन सिंह की समाधि स्थल पर ही उनका मंदिर स्थापित कर दिया गया। हरभजन सिंह का मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास स्थित है। यहीं से उन्हें बाबा हरभजन सिंह का दर्जा मिला। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना के जवान भी उनके सम्मान में शीश झुकाते हैं। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ आने वाले लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं और बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। हर साल 4 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर मंदिर में खास कार्यक्रम होते हैं। ये दिन उनकी याद में विशेष रूप से मनाया जाता है और उस दिन उनके मंदिर में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। ये देखिए उनका कमरा जहाँ वो रहते थे, लिविंग रूम। यहाँ उनकी तस्वीर है, उनका सामान और बाकी उनकी पूरी ड्रेस, उनके जूते, जहाँ हर दिन उनकी वर्दी पर प्रेस होती है, जूतों पर पॉलिश होती है और हर रात जब ये निकला जाता है वहाँ, तो अगले दिन इन जूतों पर मिट्टी लगी हुई मिलती है। तो उनकी आत्मा आज भी अपनी ड्यूटी कर रही है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वो आज भी सरहद पार चीन के तमाम गतिविधियों के बारे में अपने साथियों को सपने में आकर बताते हैं। अंतिम संस्कार के बाद भी जवान बाबा हरभजन सिंह के साथ सेना पूर्णकालीन सैनिक की तरह बर्ताव करती है। उन्हें बकायदा छुट्टी दी जाती है, उनके ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता है। उनके अलावा 2 सैनिक उनके साथ जाते हैं और जो उनका सामान उनके घर तक छोड़ कर आते हैं। छुट्टी खत्म होने पर उनका वापस उनका सामान लाते हैं, उनको ड्यूटी ज्वाइन कराई जाती है। इसी तरह से उनकी तनख्वाह दी जाती है जो उनके परिवार वालों को हमेशा मिलती है। ये देखिए, यहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। हर दिन बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं और यहाँ उनकी एक छोटी सी मूर्ति भी है। भारतीय सेना पूरे सम्मान के साथ इस मंदिर की देखभाल करती है और यहाँ हर दिन आरती होती है, पूजा होती है और उस पुण्य आत्मा से प्रार्थना की जाती है कि हम सबके दुख दूर करें। एक ऐसा सैनिक जो मरने के बाद भी आज भी भारतीय सेना के साथ काम कर रहा है और अपनी धरती की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो देखिए सामने बाबा हरभजन सिंह की एक छोटी मूर्ति बनाई गई है।
जिनकी पूजा हर दिन होती है यहाँ। दोस्तों ये भी माना जाता है कि सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह की मंदिर की चौकीदारी करते हैं। मंदिर में हरभजन सिंह की मूर्ति, जूते, आर्मी ड्रेस, टोपी, बिस्तर और अन्य सामान रखे हुए हैं। यहाँ हर दिन उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें बताया गया है कि मान्यताओं के अनुसार मंदिर में जल चढ़ाने के बाद इसे पी लेने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है, इसलिए भक्त यहाँ आकर बोतल में पानी रख देते हैं और फिर इसे लेकर घर चले जाते हैं। ये जल 21 दिन तक काम करता है। इस तरह भक्तों के दुख दूर करने की मान्यता यहाँ पर बहुत है और बहुत श्रद्धा है यहाँ आसपास के लोगों की। वो देखिए बाबा हरभजन सिंह की मूर्ति, उनकी तस्वीर भी साथ में है। सच मुझे बहुत अद्भुत लगता है कैसे एक भारतीय सेना का जवान, इस धरती का पुत्र, मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है और लोगों के दुख दूर कर रहा है। जो जज्बा भारतीय सेना में होता है वो जज्बा हम देखते हैं यहाँ पर। मरने के बाद भी सेना और हमारे सैनिक की आत्मा अपनी ड्यूटी निभा रही है। इस मंदिर की देखभाल सब भारतीय सेना करती है और जब लोग दर्शन करके निकलते हैं तो उन्हें यहाँ पर प्रसाद भी दिया जाता है। और इसी के पास एक भक्ति स्थल है, देशभक्ति स्थल। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा तिरंगा लगाया गया है। देखिए कितना ऊंचा तिरंगा यहाँ लगाया है भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने इसको बनाया है। ये देखिए यह है हमारा प्यारा तिरंगा। ये देखिए जय हिंद, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सिक्किम की पहाड़ियों के ऊपर है। जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो वो इस देशभक्ति स्थल को भी देखने आते हैं। कितना दिलचस्प है देखिए। देखिए कितना सुंदर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर जो सिक्किम के पास नाथुला दर्रे के पास स्थित है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और राजेंद्र स्पीच को अपना समर्थन जरूर देते रहिए। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो अपने देश के बारे में, अपने देश के महान सपूतों के बारे में आते रहते हैं राजेंद्र स्पीच पर। तो अपना प्यार, अपना समर्थन इस चैनल के साथ बनाए रखिए। और इसी के साथ समाप्त करूंगा इस वीडियो को और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।